सेक्टर 45 काशीराम कॉलोनी के निवासी ने बिजली विभाग अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए खास रिपोर्ट। मैं उदय पासवान। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास बिजली का बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ की समस्या है? सेक्टर 45 काशीराम कॉलोनी में मैं दसियों साल से रहता हूँ। क्या समस्या हुई आपको? समस्या है कि मेरा 3 से 4 महीना तक लगातार बिल जो है सही आता है, और जैसे ही चौथा महीना होता है उसे 3 गुना बिल जो है बढ़ा के भेज दिया जाता है। आपने इसकी शिकायत? इसकी शिकायत मैंने बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को अवगत कराया, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री साहब को भी अवगत कराया, और समाज कल्याण मंत्रालय को भी दिया, और यहाँ के तमाम बिजली अधिकारियों को सभी को अवगत कराया, लेकिन मेरा कोई रिस्पांस नहीं मिला। और 1 महीना के मेरा 19,000 का बिल भेजा गया, तब से मैं बड़े परेशान हूँ। और उसके साथ साथ एक सारा कार्रवाई का कागज है जो सभी अधिकारियों को हमने भेज चुका है, और इसके साथ साथ पीली वाली पर्ची भी विजिलेंस की भेज दिया गया था कि अगर आपने बिल नहीं जमा कराएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये बात आपको किसने बोली थी? ये हमारे जो है एसडीओ साहब ने बताया था, और इनके 16 सेक्टर में मेन जो अधिकारी थे उनका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन वहां भी गए तो उन्होंने यही कहा, और साथ में पर्ची भी जो है भेज दिया। इसके बाद मैंने 19,000 रुपया जमा कराने के बाद फिर वही बिल मेरा जो है, जो पहले बिल आता था 350-400, वही बिल फिर भी आना शुरू हो गया। उसके बाद काफी दिन तक ठीक ठाक रहा, उसके बाद फिर जो है ये लगभग आज 6-7 महीना से बिल जो है 1200 से शुरुआत हुआ, होते होते 1800 हो गया, 1800 के बाद जो है फिर 2000 का, इस तरह से बढ़ते चला गया, और काफी मैं इससे परेशान हूँ बिजली का बिल भरते भरते। मेरा अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा बिल सही आए, और मैं सही बिल जो है जब बिजली इस्तेमाल करूंगा तो मैं सरकार को पैसा देने से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मेरा बिल उचित आना चाहिए। मैं अपने घर में 4 LED जलाता हूं, एक कभी जभी टीवी चला लेता हूं, और एक फ्रिज अभी जो है फिलहाल में रखा हूं। इससे पहले तो मेरे पास फ्रिज भी नहीं था, जो बिल जब सही आता था हमारे पास न टीवी था न फ्रिज था। ये लॉकडाउन में हमारे कुछ साथी ने टीवी और फ्रिज जो है दोनों देखे कि उनका न्यूज सुनने में दिक्कत होता है, तो पड़ोसी ने टीवी दे दिया, और एक हमारे पड़ोसी भाई ने फ्रिज दे दिया है कि आपके क्या गेस्ट लोग आते हैं एक फ्रिज रख लीजिए ताकि लोगों के ठंडा पानी मिल सके, तो मैंने रख लिया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा उचित बिल है वो ले, हम देने के लिए तैयार हैं। जब मैंने अभी कितना बिल आया हुआ है? अभी बिल इस महीने का 1500 का बिल है, टोटल 11,000 कुछ रुपए का हमारे पास बिल आया है। जब आपने कनेक्शन कराया था उस समय बिल कितना आता था? उस टाइम आता था 350-450। और जब मीटर लगा, मीटर कब लगा आपका? मीटर 2010 में ही लगभग लगा है। तो जब से मीटर लगा था तभी से ये बिल ज्यादा आ रहा है या फिर कैसे? नहीं नहीं उस पर बिल्कुल ठीक आ रहा था। ये हमारे 2016 से जब से 19,000 का बिल भेजा है, उसके बाद से 19,000 जमा करने के बाद फिर भी सही चला। एक महीने का 19,000। मैं बहुत आहत हो गया किसी तरह से, और इसके साथ साथ विजिलेंस का पर्ची भी दिया गया, तो डर के मारे हमने कर्जा लेकर के 19,000 रुपया जमा कराया। का मीटर उखाड़ने के लिए किसने बोला है? अभी हमारे के यहाँ कल ही के डेट में लाइन मैन आए थे, उन्होंने कहा आपका लाइन काट दिए जाएंगे, आप बिजली बिल जमा कीजिए। तो हमने कहा कि हम साहब से मिल चुके हैं और फिर मिलने जा रहे हैं एसडीओ साहब से, तो बोला लाइन मैन से जो है जय से बात कीजिए,
जब जय साहब से मैंने बात किया, सम्मान पूर्वक उनसे बात किया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप बिल जमा कराइए, नहीं तो दो दिन के अंदर आपको मीटर उखाड़ ले जाएंगे। जय साहब का नाम बता सकते हैं आप? जय साहब के तो नाम पता नहीं है मुझे। अभी आप कहे गए थे बात करने के लिए जी? कब गए थे? मोबाइल पे बात हुआ है। आप उनके कार्यालय नहीं गए मिलने? कार्यालय नहीं गए, कार्यालय एसडीओ साहब से मिले, परसों के दिन एसडीओ साहब से मिले, तो उन्होंने कहा आपका बिल बिल्कुल ठीक है, आप इसको जमा कराइए। मैंने कहा सर अगर ठीक होता तो मैं जमा करा देता। हमारा जो सबसे मेन है मुद्दा कि ये 19,000 एक महीना का बिल लिया गया, मेरे घर में कोई फैक्ट्री प्लांट तो चल नहीं रहा था, इसके लिए मैं चाहता हूं कि बिजली विभाग पहले इसको हमारा 19,000 जो लिया है यह पैसा हमें रिटर्न करे, हम इनकी पैसा उचित है देने के लिए तैयार हैं।